इसको किसी ने बीजेपी का टीका बताया, किसी ने इससे गौ मांस है इसमें इस तरह की अफवाहें फैलाई, नाना प्रकार की अड़चने डाली। ऐसे अड़चनों के समय अपने भारत के अंदर ही टीके का निर्माण करके और 101 करोड़ लोगों को टीका लगे, इसके लिए हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। 100 करोड़ वैक्सीन लगने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरदार पटेल की इच्छा शक्ति से प्रेरित बताकर दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से बड़ा मनकर प्रधानमंत्री का आभार जताने का किया अनुरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात्र 276 दिनों में 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगवाने वाला पहला देश बनाने की सफलता पर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आज अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारों को बताया कि देश भर में 101 करोड़ वैक्सीन की डोज लगने के साथ पूरे विश्व में भारत ने अपनी सफलता का डंका बजा दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर लगातार ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम देते आए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या राजस्थान को पूरे देश में 7वां स्थान मिलने और साथ ही प्रदेशवासियों को 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज लगने पर क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा बड़ा मन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी ओर से आभार जताएंगे। कोरोना की वैश्विक महामारी के समय जब सारा विश्व इससे ग्रस्त था और लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे थे, ऐसे समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखा और हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, इनके सहयोग से एक इस प्रकार का इतिहास रचा कि आज भारत के 101 करोड़ के लोगों को डोज लग गया। और यह भी तब जब सारा विपक्षी लोग अटैक कर रहे थे, इसको किसी ने बीजेपी का टीका बताया, किसी ने इससे गौ मांस है इसमें इस तरह की अफवाहें फैलाई, नाना प्रकार की अड़चने डाली। ऐसे अड़चनों के समय अपने भारत के अंदर ही टीके का निर्माण करके और 101 करोड़ लोगों को टीका लगे, इसके लिए हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो लोगों का विश्वास जीता और सारी चुनौतियों का सामना किया, लगा एक तरह से कि इनमें सरदार पटेल की तरह एक इच्छा शक्ति है जिसके आधार पर इस महामारी से आज देश काफ़ी हद तक निजात पा चुका है। इसके लिए मैं समझता हूँ हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करते हैं और राष्ट्र से अपेक्षा करते हैं कि हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री की दीर्घायु, प्रधानमंत्री के यशस्वी बनने और प्रधानमंत्री के द्वारा देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करते रहें। ऐसे समय में केवल एक ही प्रश्न आपके माध्यम से पूछूंगा, कहाँ गए अशोक गहलोत, कहाँ गए रघु शर्मा, जो केवल टीके पर कई तरह के सवालियाँ उठाते हैं, हमको मिल नहीं रहा है, हम टीके नहीं लग रहे हैं, और आज दोनों इस पर अपने चुप्पी साधे हुए हैं। जरा बड़ा मन करके आप प्रधानमंत्री जी का वो भी अभिनंदन करें, उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने राजस्थान को निःशुल्क 6 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए, देश भर में 101 करोड़ निःशुल्क उपलब्ध कराए। तो ऐसे समय इन कांग्रेसियों की जो ओछी मानसिकता है वह भी सामने आई है। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। विधायक देवनानी ने हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली के मद्देनज़र जिला प्रशासन से अपील की है कि दीपावली के पर्व पर विद्युत विभाग और पेयजल विभाग नियमित विद्युत और जलापूर्ति का ध्यान रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य समाजों में धर्मों के त्यौहारों पर प्रशासन अपनी ओर से पहल करते हुए बिजली पानी की आपूर्ति नियमित बनाए रखता है, लेकिन इस बार दीपावली आने में कुछ समय बचा है लेकिन धरातल पर कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से दीपावली से पूर्व अजमेर शहर की तमाम सड़कों व गलियों की मरम्मत कराने की भी अपील की है। दीपावली का पावन पर्व अपने सामने है, ऐसे समय जिस प्रकार से अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को बिजली की आवश्यकता रहेगी, उसके लिए प्रशासन की कोई तैयारी नहीं लगती। यहाँ तक कि अजमेर में तो 72 घंटे में भी सही ढंग से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, लोग साफ सफाई में लगे हैं, लोगों को पानी की आवश्यकता है। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जिला प्रशासन और पीएचडी
और एवीएनएल तीनों मिलकर के दीपावली के अवसर पर जनता को पूरा पानी मिले और साथ में पूरी बिजली मिले, जिसके आधार पर अपना त्यौहार मना सकें। बाकी जब दूसरे समुदाय के त्यौहार होते हैं तब तो ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और इस समय इस तरह की लापरवाही जो बरती जा रही है, मैं समझता हूँ जनता में उसका आक्रोश है। इसलिए आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जनता को दोनों चीज़ें उपलब्ध कराएं, और साथ में विशेष रूप से अजमेर के शहर जहाँ खड्डों का शहर बन गया है, उसमें भी सड़कें सारी ठीक करवा करके लोगों को एक दीपावली का पर्व मनाने के लिए एक अच्छा एक समाधान करें, अवसर दें, ताकि हम सब लोग मिलकर के त्यौहार मना सकें।